हेलो यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे मॉरेटोरियम इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही है उसका क्या अपडेट है, ठीक है, या कोई मॉरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर के माफ़ी को लेके कोई दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है। तो हम आपको वही बताएंगे इसमें नया अपडेट क्या है, नया कौन सी केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है या फाइल होने वाली है, ठीक है। आप बने रहिए वीडियो में और आपको हम नया अपडेट बताएंगे। जो एक और पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो मॉरेटोरियम इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी रियल इस्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फाइल किया हुआ है, तो आज की अपडेट है वो हम आपको बताते हैं आपको, तो वीडियो में बने रहिए। और ये हो सकता है आप सभी के लिए फ़ायदेमंद भी हो, यदि सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर देता है तो काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए होगा, यदि जिसने भी मॉरेटोरियम एक्सटेंशन लिया होगा, ठीक है। चलो हम आपको बताते हैं पूरा अपडेट क्या है। देखिए ये है, गूगल पे जाना है आपको, गूगल पे सर्च करोगे, आप खुद भी सर्च कर सकते हो मॉरेटोरियम इंटरेस्ट, ठीक है, आपने डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक स्टोरी दिख रहा होगा, 14 आवर्स एगो, अभी का टाइम भी आप देख लो, टाइम अभी कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 10:15, ठीक है, 10:55 AM हो रहा है, 2 जून है आज, ठीक है ना। अब आपको आज स्टोरी देखो, ये अभी हमने इसको कर दिया है सर्च, यहाँ पे देखिए ये 14 आवर्स एगो का है, लाइव मिंट का है, ठीक है। और ये वाली टॉप स्टोरी है जो गूगल पे आपको दिखा रहा है ना, ये टॉप स्टोरी है, और इस पर आप देखो 13 आवर्स एगो का है। ये इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ ना, पढ़ रहे हो ना आप, MCHI, ठीक है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ, अभी हम बताएंगे इसका मूव्स, MCHI मूव्स HC सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग RBI ऑर्डर फॉर इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम, मतलब समझ में आ गई ना। अब देखो अब इसका हम बताते हैं डिटेल से, ये वाली अपडेट क्या है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इन्होंने बोल रहे हैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, जो इंटरेस्ट लग रहा है मॉरेटोरियम और मॉरेटोरियम एक्सटेंशन का, ये बर्डन रियल इस्टेट के लिए सही नहीं है, इनसे क्या हो सकता है, जो इनको रियल इस्टेट का बिजनेस जो है बंद करना पड़ सकता है, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। तो यही इसी को लेके इन्होंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखिए केस, जो मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है वो माफ़ होना चाहिए, यदि माफ़ नहीं होता है तो इनसे बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, इनसे क्या होगा, बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाएगी, जिसको लेके ये देखो लिखा है इन्होंने, पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट साइकिल, ये जो है बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा, मतलब क्या है, कंपनी को बंद करना पड़ेगा, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जितने भी रजिस्टर रियल एस्टेट की कंपनी है वो सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो इन्होंने फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन और लगाया है, आर्ग्यू किया है जो मॉरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट है वो माफ़ होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बर्डन रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे ये बहुत बड़ी बर्डन है, क्योंकि रियल एस्टेट का मालूम ही है अभी डाउन है बिजनेस, और जब आदमी के पास अर्निंग नहीं होगा, जॉब हर कोई लोग ज़्यादातर लोग सैलरीड हैं या बिजनेस करते हैं, तो यदि उनके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर रियल एस्टेट का EMI जो उन्होंने लोन ले रखा है हाउसिंग लोन या फ्लैट पे, वो सारा लोन कहाँ से चुकता करेंगे, कहाँ से भरेंगे, जब उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो लोन कहाँ से भरेंगे, और लोन का पेमेंट जब हाउस रियल एस्टेट कंपनी के पास जाएगा नहीं तो फिर वो आगे कहाँ से भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैप क्रिएट हो जाएगा और कंपनी को वाइंड अप करना पड़ सकता है, तो यही चीज़ इसी को लेके RBI में एक नया फ्रेश पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है, और जिस पे बहस किया गया है, जो ये माफ़ होनी चाहिए, नहीं तो हमें हमारी बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, जिनसे बेरोज़गारी भी उत्पन्न हो जाएगी और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी मालूम है बिज़नेस चल नहीं रहा है, सारा कुछ जो है ठप पड़ा हुआ है। तो यही चीज़ यही अपडेट थी जो मैंने सोचा आपको एक अपडेट बता दूं, ताकि आपको भी लगे जो हाँ हर कोई लोग हर सेक्टर के लोग परेशान हैं मॉरेटोरियम इंटरेस्ट को लेके, ये इंटरेस्ट जो है माफ़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी अभी सर्च किया आप गूगल पे, सो मैंने सोचा अपडेट देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी लगे जो सभी लोग परेशान हैं और हर कोई लोग इंटरेस्ट को माफ़ करना चाहते हैं, इंटरेस्ट वेव ऑफ चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने